welcome to the Editor Bits. My name is Andy Mudgal. I'm your English trainer. In this video, I'm going to talk about how to use for and how to use since. Since or for कैसे इस्तेमाल करते हैं और when कैसे इस्तेमाल करते हैं और how long कैसे इस्तेमाल करते हैं. मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि how long कैसे इस्तेमाल करते हैं. अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि since कैसे इस्तेमाल करते हैं, for कहाँ यूज करते हैं और since when कहाँ यूज करते हैं. तो बात करते हैं कि भाई since का कैसे इस्तेमाल करते हैं. Since का मतलब होता है point of time. पॉइंट ऑफ टाइम की मतलब कोई काम जो आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट टाइम से कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है. जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, शाम से, दिन से, रात से, जनवरी से, अप्रैल से, मार्च से, 1982 से, 2001 से, 2005 से. टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर हम लगाते हैं सिंस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग माई क्लास सिंस मॉर्निंग. और इस तरह के तमाम सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रख सकते हैं. तो यहाँ पर रखने के लिए इन्हीं सेंटेंसेस के साथ आपको इस सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना होता है. और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस. अगर टाइम के साथ आप बोल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंस और फॉर का आना बहुत जरूरी है. बात करते हैं फॉर के लिए. फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. कुछ समय से आप काम कर रहे हैं, कुछ दिनों से आप काम कर रहे हैं, कुछ महीनों से आप काम कर रहे हैं, कुछ सालों से आप काम कर रहे हैं, अगर वो आपको काम बताना है तो वहाँ पर आपको फॉर लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स. So this is all about a for. अब बात करते हैं कि since when का इस्तेमाल कैसे करते हैं. Since when का जब आप किसी क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पूछना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप since when लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कि आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं. Since when have you been living in Delhi? आप कब से इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं. Since when have you been taking English classes? अगर मैं कहूँ कितने समय से आप इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो गया. टाइम के लिए यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सिंस व्हेन से स्टार्ट करने, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आपको फॉर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट करनी. इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप कितने समय से, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कितने समय से, कब से, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है. सिंस व्हेन ध्यान रखिएगा, कितने समय से के लिए आपको फॉर हाउ लॉन्ग को ध्यान में रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप कितने समय से इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग इंग्लिश क्लासेस. होप कि आपको मैं ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में समझा पाया हूँ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके आप हमें जरूर बताइएगा और इनबॉक्स में आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल बैक टू यू विद न्यू लेसन्स इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.